अब हम बात करेंगे एक और एनालिसिस की जिसका नाम है पेस्टल एनालिसिस। ये है टूल टू एनालाइज मैक्रो एनवायरनमेंट। किसको करता है ये? मैक्रो एनवायरनमेंट को करता है। ये आप एमसीक्यू में एग्जाम में देखेंगे। तो बत्रा सर आपको एमसीक्यू की तैयारी भी साथ साथ करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? एमसीक्यू की तैयारी भी साथ साथ करवा रहे हैं। हम केवल पढ़ ही नहीं रहे, हम रिवाइज भी कर रहे हैं रोज क्यूमुलेटिव, और उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं? एमसीक्यू की तैयारी भी आपको करवाते चले जा रहे हैं। तो यहां पे जो पेस्टल है शब्द, वो ऑफन यूज होता है फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस ऑफ मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर। तो मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर का अध्ययन करेंगे हम इसमें, ठीक है? तो पेस्टल में क्या चीजें होती है? पी मतलब पॉलिटिकल, ई मतलब इकोनॉमिकल, एस मतलब सोशल, टी मतलब टेक्नोलॉजिकल। चार चीजों को जोड़े तो पेस्ट होता है। पहले पुराना नाम पेस्ट ही था, ठीक है? पेस्ट के बाद में इसमें हमने दो चीजें और जोड़ी, एक तो ई जोड़ा हमने और एक एल जोड़ा। ई इज इन्वायरमेंटल और एल इज लीगल। तो देखो, पहला फैक्टर है पॉलिटिकल जो हमने पढ़ लिया, दूसरा इकोनॉमिकल जो हमने पढ़ लिया, तीसरा सोशल जो हमने पढ़ लिया, चौथा टेक्नोलॉजिकल हमने पढ़ लिया, पांचवा इन्वायरमेंटल पढ़ लेंगे अभी, छठा लीगल पढ़ लिया हमने। तो ऑलमोस्ट सारे फैक्टर हमारे पढ़े हुए हैं, नया कुछ भी नहीं है। तो मैक्रो एनवायरमेंट को एनालाइज करने का एक तरीका हम और देखने जा रहे हैं, पेस्टल एनालिसिस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो कि आपको छह फैक्टर का अध्ययन करने का मौका देता है। पी इज पॉलिटिकल, ई इज इकोनॉमिकल, एस मतलब सोशो कल्चरल, टी मतलब टेक्नोलॉजी, एल मतलब लीगल और ई मतलब इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। छह फैक्टर अपन इसमें देख रहे हैं। तो पेस्टल एनालिसिस में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इन्वायरमेंटल एनालिसिस इन्फ्लुएंसेस होते हैं, ठीक है? तो आप देख रहे हैं चित्र में, आपको ये छह फैक्टर भी बता दिए हमने, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और लीगल, ठीक है? पेस्टल एनालिसिस जो है वो सिंपल है और अंडरस्टैंड करने में, और क्विक टू इंप्लीमेंट है। सिंपल टू अंडरस्टैंड, क्विक टू इंप्लीमेंट। जितने भी हमारे सोशल मीडिया, जितने भी हमारे सोशल मीडिया के हैं लोग, वो भी अपना पेस्टल एनालिसिस करते रहते हैं अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले आगे बढ़ने के लिए। ये इनकरेज करता है मैनेजमेंट को इनटू प्रोएक्टिव एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग रादर देन रिएक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो ये आपको प्रोएक्टिव बनाता है। ये जो पेस्टल एनालिसिस है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसा बनाता है? प्रोएक्टिव बनाता है, मतलब प्री प्लान्ड थिंकिंग के साथ काम करने वाला बनाता है, ना कि सिचुएशन आए तो आप उसको रिएक्ट करें। तो आपको बनाता है ये प्रोएक्टिव। आइए एक एक फैक्टर को देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर, की फैक्टर में से पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर का मतलब हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंड द गवर्नमेंट इंटरवीन इनटू द इकोनॉमी एंड द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस फर्म। तो पॉलिटिकल फैक्टर कितने आपके काम करने के तरीकों पर फर्क डालते हैं, या उनके हिसाब से आपको अपने काम करने के तौर तरीकों को बदलना पड़ता है। अभी मैंने ताजा उदाहरण दिया हलाल सर्टिफिकेशन का, उत्तर प्रदेश में से बैन कर दिया है, सरकार इसके ऊपर जांच कर रही है, बहुत जल्दी भारत सरकार के लेवल पे एक्शन लिया जाएगा। तो देखो, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिसाइड कर रही है कि बिजनेस करने के तरीकों में क्या एथिकल है और क्या एथिकल नहीं है। पॉलिटिकल फैक्टर्स में ऑल्सो इन्फ्लुएंस गुड्स एंड सर्विसेज विच द गवर्नमेंट वॉन्ट टू प्रोवाइड और टू बी प्रोवाइडेड। तो पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फैक्टर डिसाइड करते हैं क्या होगा और क्या नहीं होगा। फर्दर मोर, गवर्नमेंट हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ए नेशन। तो हमारे को मैक्सिमम अपना ध्यान देना चाहिए हेल्थ केयर पे, मैक्सिमम ध्यान देना चाहिए हमारे को मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर, जो कि समय की आवश्यकता है, और पॉलिटिकल सर्कल में इस पर डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। सेकंड है इकोनॉमिक फैक्टर। पेस्टल में सेकंड फैक्टर है हमारा इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल के बाद। इकोनॉमिक रेफर्स टू हैव ए मेजर इंपैक्ट ऑन हाउ बिजनेसेस ऑपरेट एंड टेक द डिसीजन। जैसे इंटरेस्ट रेट इफेक्ट द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड देयर फॉर टू व्हाट एक्सटेंट ए बिजनेस ग्रोज एंड एक्सपेंड। तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सब चीजें डिसाइड करती है कि हमारे इकोनॉमिक फेवर हमारे में है या नहीं है। एक्सचेंज रेट डिफरेंट कंट्रीज के साथ में, जो आपके रेट ऑफ एक्सचेंज है आपके मुद्रा को लेके, आपकी करेंसी को लेके, इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड द सप्लाई एंड प्राइसेस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स इन द इकोनॉमी। द मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, क्रेडिट फ्लो, पर कैपिटा इनकम, ग्रोथ रेट्स, ये सब के सब की बिजनेस के काम करने के तरीके के ऊपर गहरा प्रभाव होता है।
सोशल फैक्टर एक और होता है, इफेक्ट द डिमांड फॉर ए कंपनी प्रोडक्ट एंड हाउ द कंपनी ऑपरेट। जैसे बेटा हमारे यहाँ इस समय शादियों का सीजन चल रहा है और करीब 15 तारीख तक चलेगा, फिर हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार हम कहते हैं मल मास लग गया, और फिर ये चलेगा अगले जनवरी तक। तो जब तक फिर जनवरी में हमारे मकर संक्रांति नहीं आ जाती तब तक एक मल मास रहेगा, शादियों के सीजन पर करीब करीब रोकथाम रहेगी। हम ये नहीं कहते कि हर आदमी शादी करना रोक देगा, लेकिन मेजॉरिटी के लोग तिथियों को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए श्राद्ध के दिनों में, इन एक महीनों में जिन्हें मल मास कहते हैं, शादियों का प्रोविजन नहीं किया करते। तो हमारे सोशल फैक्टर हमारे प्रोडक्ट पे, हमारी सर्विसेज पे फर्क डाल रहे हैं। चौथा, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कैन डिटरमाइन बैरियर टू एंट्री, मिनिमम एफिशिएंट प्रोडक्शन लेवल एंड इन्फ्लुएंस आउटसोर्सिंग डिसीजन। तो टेक्नोलॉजी के फैक्टर हमारे काम में बाधा डालते हैं या हमारे काम को आगे बढ़ा दिया करते हैं। जैसे अगर दूसरे लोग हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं तो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके कामों को रोक सकते हैं और उन्हें बाधा डालने से भी मना किया जा सकता है या रोका जा सकता है। ये टेक्नोलॉजिकल बैरियर के कारण संभव है। जैसे कोई पहले हमारी वेबसाइट को बदल देता था, वेबसाइट पे कुछ आपत्तिजनक बातें लिख देता था जिससे हमारी पोजीशन बड़ी एम्बैरेसिंग हो जाती थी, लेकिन आज का तरीका ये है कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूसरों को गलत काम करने से रोकते हैं और अपना एक एजेंडा भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर इफेक्ट हाउ ए कंपनी ऑपरेट इट्स कॉस्ट एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ईज ऑफ बिजनेस। तो लीगल फैक्टर क्या है? वो फैक्टर है जिसके माध्यम से हम लोग कंपनी कैसे ऑपरेट करेगी, किस कॉस्ट पे करेगी, कौन सा प्रोडक्ट देगी, क्या वो प्रोडक्ट देना लीगली पॉसिबल है या नहीं है, इस पर बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब होता है इंडस्ट्री, जैसे टूरिज्म है, फार्मिंग है, इंश्योरेंस है, इसमें इंडस्ट्री के कुछ नॉर्म्स होते हैं, नियम होते हैं, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का लॉ है, मानना पड़ेगा आपको, मर्जी नहीं चला सकते। इसी तरीके से हमारे पास में एनिमल के प्रोटेक्शन नियम है, पैटा वगैरह काम करती है तो आप उनके नियम विरुद्ध नहीं जा सकते। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें काम करना पड़ता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे टूरिज्म, फार्मिंग, इंश्योरेंस बड़ा फर्क डालते हैं क्लाइमेट चेंज का। इनमें ग्रोइंग अवेयरनेस इन द क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट करते हुए हमें देखना होता है और ये नए मार्केट को बनना, पुराने को खत्म करने में बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं। इट शुड बी पॉसिबल टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ की इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस विच आर इनफैक्ट डाइवर्स ऑफ चेंज। दीज आर फैक्टर्स दैट रिक्वायर टू बी कंसिडर्ड इन मेकिंग डिसीजन। टेक ए लुक एट द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ एक टेबल बताई जा रही है जिसके माध्यम से हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पेस्टल एनालिसिस जो होती है हमारी, उसके 6 फैक्टर्स के माध्यम से हम इंडस्ट्री में एक्सटर्नल फैक्टर्स का अध्ययन कर सकते हैं। पॉलिटिकल पेस्ट में पी पॉलिटिकल है, ई इन्वायर इकोनॉमिक है, एस जो है वो सोशो कल्चरल है, टी जो है टेक्नोलॉजी है, ई जो इन्वायरमेंटल है और एल जो है वो लीगल है। इस तरीके से 6 के 6 फैक्टर हमारे सामने बनाए गए हैं। बात आई क्या सबको समझ में? तो ये है पेस्टल एनालिसिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सब नई बातें नहीं है आपके लिए, ये सब आप बीसी के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आ चुके हो फाउंडेशन लेवल पे, और इवन बीएसटी में भी पढ़ा होगा आपने 11 12th स्टैंडर्ड पर। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। पेस्टल को अपन एक टेबल के माध्यम से भी समझा सकते हैं। आइए पेस्टल एनालिसिस को एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। टोटल इसमें 6 फैक्टर है हमारे पास में, देखें इन 6 फैक्टर्स को। पहले फैक्टर का नाम है पॉलिटिकल, दूसरा है इकोनॉमिकल, तीसरा है सोशल, चौथा है टेक्नोलॉजिकल, 5वां है लीगल, 6ठा है इन्वायरमेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट। आइए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और दो दो फैक्टर्स को एट ए टाइम कंसीडर करते हैं। पहला है पॉलिटिकल।
पॉलिटिकल में क्या क्या देखेंगे, क्या देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मतलब 5 साल बाद चुनाव के बाद ही लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है, ना कि पाकिस्तान की तरह सेना तख्ता पलट कर देती है और कोई भी प्रधानमंत्री को अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने देती है। पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है। पॉलिटिकल प्रिंसिपल एंड आइडियोलॉजीज, हर कंपनी के अपने अपने काम करने के तरीके, कांग्रेस पार्टी के अलग हैं, भारतीय जनता पार्टी के अलग हैं, समाजवादी के अलग हैं, है ना, तृणमूल कांग्रेस के अलग हैं, साउथ में जो पार्टियां उनकी अलग हैं। करंट एंड फ्यूचर टैक्सेशन पॉलिसी, जैसे मोदी सरकार का तो मंत्र है वन नेशन वन टैक्स, तो वन टैक्स रिजीम भी बहुत जल्दी आ जाएगी, जो अलग अलग तरीके के टैक्सेस अभी आप देखते हो, जीएसटी अलग है, इनकम टैक्स अलग है, तो हो सकता है इनको भी मर्ज करके वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी ले आए। ये रेगुलेटरी बॉडी एंड प्रोसेसेस, अब हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ रेगुलेट करने वाली बॉडीज काम कर रही हैं, रिजल्ट दिखता है, क्योंकि अगर कोई पैसा खा के भाग जाता है तो बकायदे उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाती है। मैं विजय माल्या की बात करता हूँ, नीरव मोदी की बात कर रहा हूँ, अब तो विजय माल्या ने भी कहना शुरू कर दिया है कि जितना मेरे ऊपर कर्जा नहीं है उससे ज़्यादा तो आपने प्रॉपर्टी अटैच कर दी है बैंकों ने, ऐसा कहा जा रहा है। 9,500 करोड़ उसने बैंकों से लिया था कर्जा और 14,500 करोड़ की प्रॉपर्टियां उसकी अटैच कर ली गई हैं, तो ज्यादा ही कर लिया हमने। गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है ना, गैस के सिलेंडर को लेके गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, महिला शिक्षा को लेके, महिला के नारी उत्थान को लेके, एंड सो ऑन। गवर्नमेंट की टर्म्स एंड चेंज, हमारे यहाँ 5 साल में एक बार, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, चाहे कोई चुनाव हो, 5 साल में एक बार ही होते हैं और तभी हम सत्ता परिवर्तित करते हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, विधान परिषद के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, एंड सो ऑन। थ्रस्ट एरिया ऑफ द पोलिटिकल लीडर, हर कंपनी के जैसे अलग अलग सोचने के तरीके होते हैं, वैसे पॉलिटिकल पार्टी की अलग आइडियोलॉजी होती है। तो मोदी जी की आइडियोलॉजी अलग है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी अलग है, तृणमूल कांग्रेस की आइडियोलॉजी अलग है, समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी अलग है। इसी तरीके से साउथ में जो पार्टियां काम करती है, डीएमके है, एआईडीएमके है, ये कम्युनिस्ट पार्टी है, तो उनके काम करने की आइडियोलॉजी अलग है, उनके थ्रस्ट एरिया अलग है। कोई शिक्षा पे ध्यान देता है, कोई एक्सपोर्ट पे ध्यान देता है, कोई नारी उत्थान पे ध्यान देता है, कोई बैकवर्ड क्लास को ऊपर उठाने पर ध्यान देता है ना, तो अलग अलग लोगों का थ्रस्ट एरिया होता है, हमें समझना पड़ेगा पॉलिटिकली। दूसरा है इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या देखेंगे, इकोनॉमिक सिचुएशन एंड ट्रेंड। भारत जैसा देश है तेजी से आगे बढ़ रहा है, 7% से ऊपर हमारी जो है वो रेटिंग रहने वाली है, ऐसा कई दुनिया की एजेंसीज और रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं। मार्केट एंड ट्रेड साइकिल हमारे फेवर में, मार्केट तेजी से आगे बढ़ रहा है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री फैक्टर्स पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, ऑपोजिट आ रहा है। इसके साथ साथ हमारा कस्टमर और एंड यूजर ड्राइवर जो है वो भी काम कर रहा है, इंटरेस्ट और एक्सचेंज रेट हमारे फेवर में है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई दर, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी दर, ये आज भी डबल डिजिट से कम है तो कंट्रोल में है। स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, लोगों के हाथ में कितना पैसा है कि वो उसे खर्च कर पा रहे हैं, ये सब कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, भारत देश के कंट्रोल में, तो हम कह सकते हैं हमारे कंट्रोल में हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी है, हमारे कंट्रोल में हमारा हमारा इकोनॉमिक सेक्शन भी है। बात आई क्या समझ में सबको, तो हमने दो अभी तक डिस्कस किए, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। टेक 2 मिनट्स और 2 मिनट में इसको एक बार समझ लो। तो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सोशल फैक्टर्स की, सोशल और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे अपन आफ्टर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। तो आइए पहले बात करते हैं सोशल सेक्टर की। सोशल सेक्टर में सबसे पहले आते हैं लाइफ स्टाइल ट्रेंड्स क्या हैं आपके। लाइफ स्टाइल ट्रेंड का मतलब होता है लोग पैसा किस पे खर्च कर रहे हैं, जैसे हम फैशन पे खर्च करते हैं, कपड़ों पे पैसा खर्च करते हैं। उसके बाद आता है डेमोग्राफी, आपके देश की भौगोलिक स्थिति क्या है और कहाँ पे लोग ज़्यादा केंद्रित होकर रह रहे हैं, जैसे बड़े शहरों में ज़्यादा लोग रह रहे हैं हमारे यहाँ। कंज्यूमर का एटीट्यूड और ओपिनियन क्या है किसी पर्टिकुलर ब्रांड को लेके, कंपनी को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके। जैसे अभी तक हमारे देश के लोगों का विदेशी ब्रांड के प्रति मोह बहुत ज़्यादा है ना, हम देश की बनी हुई टाइटन की घड़ियों की बजाय रोलेक्स की,
घड़ियों को ज्यादा महत्व देते हैं। भारत की बनी हुई मारुति की जगह दुनिया की, या टाटा की बजाय, महिंद्रा की बजाय, हम दुनिया की दूसरी जो ऑटोमोबाइल ब्रांड्स हैं, फॉक्स वैगन है, या जनरल मोटर्स है, या फोर्ड है, या फिर इसी तरीके की और कंपनियां, होंडाई है, उनको ज़्यादा तरजीह दिया करते हैं। ये भारतीय लोगों की एक आदत है कि हम हमेशा अपने प्रोडक्टों के मुकाबले विदेशी प्रोडक्टों को ज़्यादा बेहतर मानते हैं, अपने यहाँ को इन्फीरियर मानते हैं। और ये भी मानसिकता अंग्रेज हमारे दिमाग में डाल के चले गए थे कि तुम कुछ नहीं हो, ना तुम्हारे प्रोडक्ट कुछ है, जबकि हमने कोरोना में सिद्ध कर दिया कि वैक्सीन दुनिया को जो हमने दी उसी से लोग बचे। भारत में इतना बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चला, भारत की बनी हुई वैक्सीन ही अल्टीमेटली काम आई, फाइजर की काम नहीं आई हमारे यहाँ, किसी और कंपनी की काम नहीं आई। पर हमारी मानसिकता को कौन बदले? हम इतने साल जो गुलाम रह लिए, मानसिकता हमारी जाती नहीं है। हम हमेशा दूसरों को, विदेशियों को हमसे बेहतर बताते हैं, जबकि हमारी 5,000 साल की सभ्यता हमें सिखाती है कि ये सब हमारे सामने ही विकसित हुए, इनको दुनिया का नॉलेज हमने दिया है। 17वीं 18वीं शताब्दी तक भारत सोने की चिड़िया थी, ये तो जो हम 200 साल हम गुलाम क्या रह लिए, हमारी मानसिकता को ही लोगों ने बदल दिया। कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न क्या है? कंज्यूमर आजकल क्रेडिट कार्ड से, वॉलेट से खरीदता है, तो प्रोडक्ट और प्राइसेस को वो देखता नहीं है, जेब में उसका पैसा है। नई जनरेशन जो है वो पढ़ लिख के अच्छा खासा कमा रही है, माँ बाप को उनके पैसों से कोई लेना देना नहीं है, वो खुद कमाते हैं और खुद ही खर्च करते हैं। मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मेरे भांजा भांजी इस समय दोनों ही एक अच्छी कंपनियों में हैं, ठीक है। उनके माँ बाप, मतलब मेरी सिस्टर और मेरे जीजा जी, उनके खुद के हमारे साथ हॉस्पिटल्स हैं, वो कहते हैं हमारे को तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं। अब अगर एक एक आदमी को साल के 36 लाख का, 50 लाख का पैकेज है, तो वो अपनी लाइफ स्टाइल पर खर्च करेगा, अपार्टमेंट ले लेगा, स्टूडियो अपार्टमेंट ले लेगा, पेंट हाउस ले लेगा, सैटरडे पार्टियों में जाएगा, क्लबों में जाएगा, है ना, विदेश में छुट्टियां मनाने जाएगा। तो यही पैटर्न है इनका। लेकिन एक आम जनता, एक आम व्यक्ति जिसकी तनख्वाह इतनी नहीं है, उसके जीने का तरीका दूसरों से अलग हो जाता है। तो अलग अलग तरीके के हमारे यहाँ लाइफ स्टाइल ट्रेंड चलते हैं भारत में भी। एथनिक और रिलीजियस फैक्टर क्या है? आपके यहाँ पर कितने तरीके के देश, धर्म, जातियां आपके यहाँ रहती है? अगर मैं बात करूं तो भारत सबसे अलग किस्म का देश है, क्योंकि जितने पंथ और मजहब दुनिया में है वो सब भारत में। दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग हैं, वहां पे प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स दो ही हैं, फिर काम खत्म हो जाता है। उतनों को ही ध्यान में रख के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देनी है आपको। फिर दुनिया में करीब 55-56 जो है मुस्लिम देश है, वहां पे शिया और सुन्नी है, और कई जगह एक ही फिरका है, तो फिर उन्हीं को ध्यान में रख के बात करनी है। लेकिन भारत में तो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, फिर इनके अंदर भी और कई तरीके के बाइफर्केशन हैं, तो हमारे को तो इन सबको ध्यान में रख के बनाना पड़ता है। इस डाइवर्सिटी में भी आपके लिए कई सारे अवसर निकल आया करते हैं। मीडिया का व्यू एंड परसेप्शन क्या है? आज से कुछ साल पहले तक हमारा मीडिया मीडिया जो था वेस्ट से इन्फ्लुएंस था, है ना, जो वहां से एजेंडा चलाया जाता था वो टूल किट भारत में काम किया करता था, और उस हिसाब से चीजें हमको बताई जाती थी। आज भी हो सकता है कुछ मीडिया हाउसेज ऐसा करते हो, लेकिन अब सोशल मीडिया एक ऑल्टरनेट मीडिया के तौर पर विकसित हुआ है, तो जो हमारा मेन मीडिया या प्रिंट मीडिया नहीं बताता है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चल जाता है। जनता ज्यादा जागरूक हो गई है, तो अब मीडिया हमारे परसेप्शन को गलत तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर सकती, या हमें ऊपर कोई नई चीजें थोप नहीं सकती, क्योंकि ऑल्टरनेट मीडिया भी एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी में रिप्लेसमेंट होते हैं कि आपके यहाँ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के? बिल्कुल, जो रिप्लेसमेंट नहीं देता शायद आजकल उसके प्रोडक्ट नहीं खरीदे जाते। तो पहली चीज है 15 डेज 10 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। उसके बाद मैच्योरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी की स्टेज पे है, इसके बाद ये प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, कुछ नया जनरेशन का प्रोडक्ट आएगा। मैन्युफैक्चरिंग भी मैच्योरिटी है क्या, क्या आप आपकी फैसिलिटीज मैक्सिमम कैपेसिटी में यूज हो रही हैं? इनोवेशन पोटेंशियल है या नहीं है, क्या आपके यहाँ नई नई चीज़ें समय पर विकसित होती हैं, या घिसीपिटी पुरानी चीज़ें सालों दर साल आप यूज़ कर रहे हो? टेक्नोलॉजी का एक्सेस क्या हर एक को है? कॉपीराइट और पेटेंट की संभावना क्या है? इन सब चीज़ों के आधार पर आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आती हैं या जाती हैं। अब आगे हम बात करते हैं दो और फैक्टर्स की, जिनके नाम है लीगल और इन्वायरमेंटल। लीगल का मतलब क्या होता है? आपके देश में बिजनेस एंड कॉरपोरेट लॉज की स्थिति क्या है, बड़े साउंड है हमारे यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट लॉ की स्थिति क्या है, लोगों की बेरोजगारी के ऊपर नियंत्रण है या नहीं, जैसे भारत में अभी डबल डिजिट नहीं हुई है बेरोजगारी दर, नियंत्रण में। कंपटीशन के क्या नियम है, सरकार का नियंत्रण है इसके ऊपर। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ पहले ढीले थे, लेकिन कोविड के बाद प्रोटोकॉल अच्छे हो गए। इंटरनेशनल ट्रीटी एंड लॉ हैं, और हम मानने भी लगे हैं और मनवाने भी लगे हैं। रीजनल लेजिस्लेशन है, कड़ाई से पालना होती है।
तो हम देख रहे हैं एक साउंड लीगल सिस्टम भारत में एग्जिस्ट करता है। ये बात अलग है कि हमारा लीगल सिस्टम थोड़ा सा डिसीजन देने में लेट करता है, और हम कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ऐसा कई लोगों के साथ में होता है कि इतने देर बाद जस्टिस मिलती है कि ऐसा लगता है जैसे ये मिली ही नहीं। उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होनी चाहिए। इन्वायरमेंट में इकोलॉजिकल इश्यूज क्या है, जैसे देश में बना रखा हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो उसका काम होता है देश में ऐसे इकोलॉजिकल हार्म करने वाले इश्यूज के ऊपर तेजी से एक्ट करना। तो आप समुद्र, नदी, जंगल, घाटियों, इनके ऊपर अपनी मर्जी से कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, आपको एनजीटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स को आप कैसे डील करते हो, नेचुरल कलामिटीज को आप कैसे डील करते हो, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए क्या लेजिस्लेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन को लेके क्या नियम है आपके पास में, वेस्ट डिस्पोजल आपके यहाँ कैसे होता है, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट होता है तो उसको अलग से तरीका है उसका वेस्ट को डिस्पोज करने का, नॉर्मल वेस्ट है तो उसको अलग तरीके से डिस्पोज करते हैं, दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। तो इन सब तरीके के कुछ नियम हमने बनाए हैं। तो कुल मिला के पेस्टल एनालिसिस में ये 6 फैक्टर हैं जिनको हमने देखा। मैं 2 मिनट के लिए आपके सामने रख रहा हूँ, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंटल, देख लीजिए, और अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर चलेंगे हम इससे आगे। ये सब चीज़ें आप फाउंडेशन में, BCK में, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आ चुके हैं, या BST में पढ़ के आ चुके हैं 11th 12th स्टैंडर्ड पर। नई बात नहीं है आपके लिए, सब चीज़ें आपके लिए रिवाइज हो रही है। सेकंड चैप्टर में काफ़ी चीज़ें पुरानी ही हैं जो आप पुराने कोर्सेज में पढ़ के आए हैं। इन पे आपसे बड़ा सवाल भी आ सकता है, MCQ भी आ सकता है पेस्टल एनालिसिस पे। जयेंद्र महाले कह रहा है सर नोट्स के लिए आप रेफरेंस दिखाने वाले थे वो प्लीज बता दो। बेटा आज मैं वो जो बत्रा सर वर्चुअल वाला ग्रुप है ना उसमें डाल दूंगा, मैं उसमें डाल दूंगा, ठीक है, बत्रा सर वर्चुअल वाले में मैं ये डाल ही दूंगा, हैंड रिटन नोट्स जो हमने पुराने कोर्सेज में बच्चों को कहा था और उन्होंने बनाए थे, मैं वैसा ही डाल दूंगा। तो आप उनको देख के इसको यूज कर लेना, हैंड रिटन नोट्स को मैं आज डाल दूंगा उसको। अभी तक बेटा जो पढ़ा है जयेंद्र, चैप्टर 1 पढ़ लिया, 2 आज ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा हमारा, है ना, और अगले 2 या 3 दिनों में हम इसे फिनिश भी कर देंगे। तो मुझे बताओ पढ़कर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप में। जयेंद्र महाले बहुत जल्दी हम जूम कॉल पे सब लोग मिलेंगे, बाकी सबसे भी पूछेंगे हम लोग, जो लोग लाइव नहीं आ पाते क्लास में बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं इसको। जयेंद्र कह रहा है बिल्कुल ओके ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें हर चीज़ समझ में आ रही है। चलिए अच्छी बात, हम नहीं करते कोई गंदी बात, अच्छी बात है ये।